अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल टीचर SST BPS 16 जिसका रिजल्ट आ चुका है, तो मैं अब जो है कैटेगरी वाइज आपको जो है रिजल्ट दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप SPSC की वेबसाइट पर आएंगे तो आप खुद से जो है चेक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में पहले ये नज़र आ जाएगा, सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16 कराची जनरल मेल इन स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वीडियो जो है इस पे बनाएंगे। जो मेल कैटेगरी है उसमें जो है जनरल में हमारे पास फर्स्ट जो है वो मेल पे है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो कि इसमें जो है हमारी मेरिट कराची जनरल कैटेगरी में मेरिट कितनी है और कितने पे लोएस्ट कितनी है और हाईएस्ट जो है इसमें मार्क्स कितनी है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वैसे तो हमारे पास जो है हाईएस्ट लोएस्ट कंबाइन है, एक साथ ही जो है मेंशन, जैसे 37 है तो कहीं पे 70 है, तो यहाँ पर जो है नाम मेंशन है, ठीक है। तो ये सारे नाम आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी कितनी मार्क्स है, पास है या नहीं है। यकीनन यहाँ पर वही लिस्ट है जो पास हैं, ठीक है। 33 पे पास है तो 33 भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसके अलावा जो है 70s भी नज़र आ रहे हैं, फिर 60s भी नज़र आ रहे हैं। तो ये कराची की रेंज की जो है जनरल कैटेगरी मेल पे जो रिज़ल्ट है उसका, तो उस पर हमारे पास जो है कितने कैंडिडेट्स पास हैं ये हम अगर इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 643 कैंडिडेट जो हैं वो पास हैं। उसके अलावा जो है डिसेबल्ड कोटा पे या डिफरेंट डिसेबल्ड पर्सन कोटा पे जो है हमारे पास वो 13 कैंडिडेट्स हैं। अब क्या करना है, इन बच्चों को द डेटा मार्क्स वर्कआउट फ्रॉम द मार्क्स स्टेटमेंट फॉर ईच कैटेगरी अंडर ओपन मेरिट एंड माइनॉरिटी कोटा अर्बन 33, डिफरेंट डिसेबल्ड पर्सन कोटा 33। द कमीशन रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई और करेक्ट द रिजल्ट एट एनी स्टेज If any error is detected, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स टू द असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट टू विदिन 7 days bring ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन रिटन पार्ट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेंट सिग्नेचर 3 अटेस्टेड फोटोग्राफ्स अटेस्टेड ऑन बैक साइड CNIC। उसके अलावा ओरिजिनल बैंक चालान जो आपके पास है, अगर नहीं है तो आप बैंक से जाके निकलवा सकते हैं। तो ये आपने 7 दिनों के अंदर करना है। मैट्रिक पक्का सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड, उसके अलावा ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अटेस्टेड कॉपी, मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपकी मास्टर्स है, डोमिसाइल PRC, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लास्ट इंस्टीट्यूट और कॉलेज, उसके अलावा वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम PMDC, PEC या SBC अगर आप इससे रिलेटेड हैं, अदरवाइज आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो 11 से आगे है 13, 14, 15 है, ये जो है किसी के लिए जिसका एक्सपीरियंस हो या जिसको PMDC वो जिन्होंने नर्सिंग में वगैरह है या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। आपका तो अगर बाकी जो मुझसे यही सवाल आएगा कि हम जो है जो कुछ नहीं करते तो 13, 14, 15 का क्या करें, तो 13, 14, 15 का आपने कुछ नहीं करना, आपने 12 तक जो है कंप्लीट करना है चीज़ों को। अगर आपके पास नो NOC नहीं है, NOC वह होता है जहाँ अगर आप गवर्नमेंट ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे नहीं कर रहे तो उसको भी आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये आपने जो है अवेलेबल अपने पास करने और इस जो है एड्रेस SPSC के एड्रेस और उसमें जो है ये मेंशन करना है असिस्टेंट डायरेक्टर जो हमारे पास SPSC की जो एड्रेस मेन है जो ठंडी सड़क हैदराबाद उस पे जो है आपने भेज देना है, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव होगी। मजीद मैं दूसरी कैटेगरीज पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।